नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके साथ दीपावली स्पेशल रेसिपी शेयर करूंगी। दीपावली हो या फिर होली हो, हम इस वाली रेसिपी को बनाए बिना नहीं रहते। रेसिपी को एंड तक देखिएगा, पहली बार में ही परफेक्ट रेसिपी बना सकोगे। यदि रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए तो फिर बनाना शुरू करते हैं इस धमाकेदार रेसिपी को। तो सबसे पहले हम इन शक्करपारे को बनाने के लिए क्या करेंगे, एक मिक्सिंग बोल लेंगे और इसके अंदर मैंने एक कप मैदा लिया है। आप चाहें तो इससे गेहूं के आटे से भी बना सकते हैं। तो मैंने एक कप मैदा लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर बीच में थोड़ी सी जगह कर लेंगे बाकी चीज़ों को ऐड करने के लिए। अब हम 1/4 कप इसके अंदर घी ले लेंगे, यानी ये मान के चलिए 6 चम्मच इसके अंदर घी आता है। वैसे आप चाहें तो इसके अंदर ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हम घर पे बनाते हैं ना तो घी ज़्यादा अच्छा रहता है। तो 1/4 कप मैंने घी लिया है। अब हम इसी कप से पानी ले लेंगे। पानी मैंने हल्का गर्म लिया है, गुनगुना पानी है, तो 1/4 कप ही मैंने पानी लिया है। इसको मिक्स कर देंगे। अगर और आवश्यकता हुई ना तो 1-2 चम्मच हम पानी की और मिक्स कर लेंगे इसके अंदर। अब हम इन सबको अच्छे से मिला लेंगे। 2 चुटकी मैंने ये बेकिंग पाउडर भी लिया है। इससे क्या होगा कि हमारे शक्करपारे खस्ता बनेंगे। यदि आप बेकिंग पाउडर ना मिलाना चाहें ना तो इसे हटा सकते हैं, क्योंकि हमने घी का इस्तेमाल किया है तो वैसे भी हमारे शक्करपारे बहुत ही ज़्यादा मुलायम बन करके तैयार होंगे। अब मैंने इसको चम्मच से अच्छे से मिला लिया है और इसे आटा तैयार कर लेंगे। 2 चम्मच मैंने पानी और इस्तेमाल किया है, इससे हमारा डो तैयार हो जाएगा। अब हमें डो थोड़ा, रोटी का डो तैयार करते हैं ना उससे थोड़ा सा सख्त लगाना है, मुलायम नहीं रखेंगे, थोड़ा सा सख्त रखेंगे। जैसे पूरी का आटा लगाते हैं ना वैसा ही हम तैयार करेंगे। अब हम क्या करेंगे, इसको ढक करके रख देंगे। आप चाहें तो रेड कलर भी इसके अंदर मिक्स कर सकते हैं, हलवाई लोग यही मिलाते हैं इसके अंदर, मैंने इसका इस्तेमाल नहीं किया है। अब हम इसके आटे को एक पॉलीथीन के अंदर कवर करके रख देंगे ताकि इसके ऊपर पपड़ी वगैरह ना आए। तो इसे 15 मिनट के लिए रेस्ट पर छोड़ देंगे। तो ये देखिए 15 मिनट हो गए हैं इसे रेस्ट करते हुए। अब हम क्या करेंगे, इस आटे को थोड़ा सा मसल करके और चिकना कर लेंगे, और आटे को हमें इतना सख्त ही रखना है तभी हमारे शक्करपारे अच्छे बनेंगे। अगर आप ज़्यादा मुलायम आटा कर लेंगे ना तो इतने अच्छे शक्करपारे हमारे बन करके नहीं तैयार होंगे। तो आटे को हमें इतना सख्त ही रखना है। अब हम क्या करेंगे, इससे एक बड़ी सी लोई बना लेंगे। इस सारे आटे से मैंने एक ही लोई बनाई है, और इस पेड़े से हम एक मोटी सी बड़ी सी रोटी बना लेंगे। हमें इसको मोटा ही बेलना है, ये देखिएगा इस तरह से। तो बड़ी सी रोटी बना लेंगे। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना चाहें ना तो आप ज़्यादा बना सकते हैं। चलिए अब हम क्या करेंगे, इसको कट करेंगे। देखिए इतनी मोटाई रखनी है। मैंने सूखा आटा या फिर ऑयल वगैरह कुछ नहीं लगाया है, ऐसे ही मैंने इसको बेला है। तो इस तरह से हम इनको स्क्वायर शेप में छोटे छोटे कट कर लेंगे। आप चाहें तो इसे हाथ से तोड़कर भी बना सकते हैं या फिर इस तरह से लंबी साइज़ में भी बना सकते हैं। मैंने इसको छोटे छोटे पीसेस में कट किया है स्क्वायर शेप में, ये देखिएगा इस तरह से। और इसी आटे से आप बालूशाही भी बना सकते हैं। तो इनको इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेंगे, ये देखिएगा। ये देखने में भी बहुत ज़्यादा सुंदर लगेंगे और बनाने में भी आसानी रहेगी। आप चाहें तो इसको लंबा सा एक रोल बना करके और हाथ से तोड़कर भी बना सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, साइड में जो छोटे छोटे पीसेस हैं ना इनको हटा देंगे, ये देखिए। इनको फिर से हम बेल करके और फिर से बना लेंगे, ये देखिए इस तरह से इनको हटा लेंगे और ये आसानी से हट जाते हैं, ये देखिए। देखिए लग रहे हैं ना देखने में भी कितने सुंदर। तो सोचिए बनाने के बाद कितने अच्छे लगेंगे ये, और खाने में तो इतने टेस्टी बने थे फ्रेंड्स, आपको क्या बताऊँ मैं। इतने अच्छे बन करके तैयार हुए थे, मतलब इतने सॉफ्ट बने थे, मुंह में जाते ही घुल जाएंगे, इतने सॉफ्ट बने थे। चलिए अब जो बचा हुआ आटा है ना वो थोड़ा सा, इसका भी हम इस तरह से बेल करके और इसको भी कट कर लेंगे ऐसे। चलिए अब हम क्या करेंगे, गैस के ऊपर मैंने उधर ऑयल रख दिया है और लो फ्लेम पे मैंने ऑयल को गर्म किया है। ऑयल को हमें ज़्यादा धुआंदार गर्म नहीं करना है, बिल्कुल धीमी आँच पे और हल्का सा गुनगुना ही हमें इनको गर्म करना है। चलिए गैस की तरफ चलते हैं। अब हम थोड़ा सा आटा डाल करके इसको चेक करेंगे, ये देखिए बस इतना ही हमें इस ऑयल को गर्म करना है। इससे ज़्यादा तेज़ आप ऑयल को गर्म नहीं करना, क्योंकि इससे ज़्यादा तेज़ कर लेंगे ना तो ये ऑयल में डालते ही फट जाएंगे। ये देखिए बिल्कुल धीमा आंच रखना है। अगर ऑयल का टेम्परेचर ज़्यादा हो गया हो ना तो आप गैस की आंच को बंद कर सकते हैं, लेकिन धीमा आंच पे ही इनको फ्राई करना है। अब हम इसको 2-3 मिनट के लिए बिल्कुल भी टच नहीं करेंगे। जब ये तैर करके ऊपर आ जाएंगे ना तभी हम इसको
पलटेंगे और आँच को हमें धीमा ही रखना है। ये देखिए इस तरह से धीमी आँच पर ही ये ऊपर आएंगे ऐसे, तो चम्मच से आप इनको इस तरह से चला सकते हैं। ज़्यादा हमें जोर भी नहीं लगाना है इनको, नहीं तो ये टूट सकते हैं, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बन करके तैयार हुए हैं। तो आप इस रेसो से बनाएंगे ना तो परफेक्ट शक्करपारे बनेंगे, ना ही ऑयल में जा करके ये फटेंगे, ना ही ये बिखरेंगे। तो 10 से 12 मिनट लग जाएंगे इनको फ्राई करने के लिए, बिल्कुल धीमा आंच पे ही करना है हमें इन्हें फ्राई। जब इनके ऊपर सुनहरा सा कलर आ जाए ना, तब हम क्या करेंगे, लास्ट में एक मिनट इनको हाई फ्लेम पे फ्राई करेंगे ताकि ये ऑयली ना बने। तो एक से डेढ़ मिनट हमने इनको हाई फ्लेम पे फ्राई कर लिया है, अब हम इनको तेल झाड़ते हुए निकाल लेंगे। ये देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं, कलर भी अच्छा आ गया है, अब हम इनको प्लेट में निकाल लेंगे। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, गैस के ऊपर दूसरी कढ़ाई रखेंगे, इसके लिए चाशनी बनाएंगे। तो जिस कप से मैंने मैदा लिया था ना, उसी कप से मैंने आधा कप चीनी ली है। एक कप हमने मैदा लिया था तो आधा कप हम चीनी ले रहे हैं। अगर आप दो कप मैदा ले रहे हो तो एक कप आप चीनी मिक्स कर सकते हैं। अब चीनी का आधा मैंने इसके अंदर पानी मिलाया है, यानी एक चौथाई चम्मच हम इसके, एक चौथाई कप हम इसके अंदर पानी मिला देंगे, यानी 4 से 5 चम्मच मैंने इसके अंदर पानी मिलाया। पानी को हमें ज़्यादा नहीं लेना है, जितना चीनी ली है उससे आधा। चीनी घुलने के बाद मैंने इसको 3 से 4 मिनट के लिए पका लिया है। ये देखिए हल्का एक तार बन रहा है, इससे ज़्यादा हमें इसको नहीं पकाना है, बस हल्का सा एक तार बनना चाहिए। अब हम इसके अंदर शक्करपारे मिक्स कर देंगे, चाशनी भी गर्म है और शक्करपारे भी गर्म है, तो ये चाशनी को अच्छे से सोख लेगा अंदर तक। तो गैस की फ्लेम को मैंने बंद कर दिया है अब। तो अब हमें क्या करना है, 10 मिनट लगेंगे इस तरह से, अच्छे से कोटिंग हो जाएगी शक्कर की, चाशनी की शक्करपारे के ऊपर, और ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बन करके तैयार होंगे। ये देखिए इस तरह से। तो चाशनी को हमें ज़्यादा सख्त नहीं बनाना है, सिर्फ हल्का सा एक तार आने तक ही बनाना है। ये देखिए इस तरह से इनको मिक्स करते जाएंगे हल्के हाथों से, 7 से 8 मिनट लगेंगे, अच्छे से कोटिंग हो जाएगी सारी चाशनी के ऊपर। ये देखिए पंखे के नीचे रख सकते हैं आप चाहें तो। ये देखिएगा फ्रेंड्स, 8 से 10 मिनट हो गए हैं और चाशनी की अच्छे से कोटिंग हो गई है शक्करपारे के ऊपर। ये देखिए तो शक्करपारे हमारे बन करके तैयार हो गए हैं। ये देखिएगा अच्छे से ठंडे हो गए हैं। चलिए अब हम इनको सर्व करेंगे। तो ये लीजिए हमारे दीपावली स्पेशल सुपर सुपर टेस्टी शक्करपारे बन करके तैयार हैं। देखिए कितने लाजवाब लग रहे हैं, लग रहे हैं ना बिल्कुल हलवाइयों जैसे। ये देखिए अगर आप इनके ऊपर कलर मिक्स कर देंगे ना तो बिल्कुल मार्केट जैसे लगेंगे, लेकिन हम घर पर बना रहे हैं तो मैंने इसके अंदर कलर मिक्स नहीं किया है। और देखिए कितने सॉफ्ट बने हैं, कितने खस्ता बने हैं और इतने लाजवाब बने हैं ये। तो आप इस तरह से एक बार बना सकते हैं, हलवाइयों जैसे बिल्कुल बन करके तैयार हो जाएंगे ये। तो आप मार्केट से बिल्कुल भी मत लाइएगा फ्रेंड्स, मैंने परफेक्ट रेसो बताया है। आप इस रेसो से बनाएंगे ना तो बिल्कुल भी फेल होने का चांस नहीं है, बहुत ही अच्छी रेसिपी है और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता इसको बनाने के लिए। तो दीपावली होली हो या दीपावली हो, आप कभी भी बना सकते हैं, जब भी हल्की फुल्की भूख हो तो आप बना सकते हैं, 1 से 1.5 महीने तक बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते ये। मैं तो अक्सर होली दीपावली पे इस रेसिपी को बनाती हूँ और बचपन से बनाती आ रही हूँ ये, मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है। तो यदि रेसिपी पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। फिर मिलते हैं, थैंक यू।